साथियों, अभी मैं उपस्थित हूँ गुमला जिले के रायडी प्रखंड के सुरसांग विलेज में और मेरे साथ में है उत्पल वर्मा जी। उत्पल वर्मा जी, हमारे पैन IIT अल्मनाई फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, अभी मैं जिस स्थान पर उपस्थित हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये घर नजर आ रहा है, ये हमारे पैन IIT अल्मनाई फाउंडेशन के अल्मनाई कैंडिडेट का घर है, जिन्होंने 7 वर्ष पूर्व कल्याण गुरुकुल गुमला से मेशन के ट्रेड में प्रशिक्षण लिया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेकर सापुरजी पालोनजी कंपनी हैदराबाद में इन्होंने जॉब किया। अभी ये छुट्टियां मनाने अपने गांव आए हुए हैं। कैसे हैं लखन जी? अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जैसा कि हमने आपके बारे में सुना कि 7 वर्ष हो चुके हैं आपको काम करते हुए, छुट्टियों में जो है घर आए हुए हैं। जी सर। तो इतना लंबा समय दिल लग गया है क्या कंपनी से? जी, दिल तो लग गया है। सापुरजी का कंपनी ऐसा है कि उसमें जितना भी कमाते हैं ना, 1 रुपया उसमें बैलेंस नहीं बचाता है। सबसे पहले जानते हैं कि लखन जी, कैसे कैसे आप कल्याण गुरुकुल के संपर्क में आए और आप वहाँ जाने के बाद किस तरह का प्रशिक्षण लिया और कैसी व्यवस्था थी वहाँ पे, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सर, मुझे मेरा दोस्त ने बताया था, पहले से ही गया हुआ था वो गुरुकुल में। उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा यहाँ ट्रेनिंग होता है और पैसा भी अच्छा मिलता है कंपनी में काम करने से। तो उसका बात को सुन के मैं उसके वो गया था 35 नंबर बैच में। अच्छा। उसके बाद में मैं 37 नंबर में गया। मैं तो ट्रेनिंग किया वहाँ, मैं मेसन का ट्रेड लिया था। मेसन का ट्रेड लेके अच्छा वहाँ ट्रेनिंग किया, फिर मुझे वहाँ से भेजा गया पुणे, जहाँ सापुरजी पालनजी कंपनी का काम चल रहा था, वहाँ काम किया और पैसा भी अच्छा मिला वहाँ मुझे। शुरुआत में 2016 में गया जी, उस टाइम मेरी तनख्वाह थी लगभग वही 12 से 13 हज़ार तक। अच्छा। और अभी 20 से 22 तक हो जाता है। अच्छा, पुणे जब आप गए और जगह जब आप बदल रहे थे, तो उस समय कैसा लग रहा था? एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, ये जाने का जो सिलसिला है, इस समय थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होगा। हाँ, थोड़ा तो लगता है। कहा कि पहले घर में था, अब घर से जाने के बाद में थोड़ा तो अलग ही फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहाँ जाने के बाद, लेकिन दोस्त लोग था बहुत सारा, मेरा दोस्त लोग था, तो उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए लखन जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, जब आप कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षण ले रहे थे, तो उस समय आवासीय सुविधा थी क्या? वहाँ पर रहने की खाने की क्या व्यवस्थाएं थी, या फिर अपने घर से जाते थे? जब मैं ट्रेनिंग आवर में गया कल्याण गुरुकुल में, तो वहाँ रहने की खाने की सुविधा वहाँ दी जाती थी। अच्छा। और भोजन भी स्वादिष्ट मिल रहा था, सुबह में नाश्ता मिल रहा था, दोपहर में खाना, शाम में रोटी या चावल जो भी मिल रहा था, अच्छा ही मिल रहा था। मतलब आपको घर की तरह ही वहाँ पर भी महसूस हो रहा था? जी सर। अच्छा, वो दिन जब आप घर छोड़ करके जा रहे थे, आज का दिन जब आप कंपनी से छुट्टियों में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो दिन ज़्यादा अच्छा था जब आप घर में थे, या फिर आज जब कंपनी में आप हैं, वो दिन ज़्यादा अच्छा है? घर में थे तो क्या था कि यहाँ बेरोजगार थे, पैसे नहीं मिल रहा था, कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था, गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। अभी कंपनी में हूँ तो वहाँ अच्छा खासा कमा लेता है। 7 वर्षों के कार्यकाल में आपने कई सारी उपलब्धियाँ हासिल की होंगी, तो उनमें से कुछ एक उपलब्धि जो है आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहेंगे? जी सर। मुझे बताइए कि आपने जब पहली बार अपनी कमाई से कुछ खरीदा, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? पहला तो मैं घर बनाया हूँ। अच्छा। दूसरा, 2018 में शादी किया, अभी मेरे पैसे से ही टोटल खर्चा लगा है। अच्छा। और अभी 2022 में बाइक लिया हूँ, जो होंडा साइन है, लगभग 1 लाख पड़ गया उसमें। अच्छा। यानी कि आपने जो है सबसे पहले अपनी कमाई से घर बनाया? तो कच्चा मकान ही बनाए हैं, लेकिन बाद में पक्का बनाएंगे, अब मेरा अगला सपना है। और इसी तरह से हमारी शुभकामनाएं हैं लखन जी के साथ में। लखन जी, आप इसी तरह से दिनों दिन आप आगे बढ़ते रहिए और लगातार कंपनी में कार्य कीजिए, एक ना दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। धन्यवाद सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.